हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का जो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर कैंपिंग करने जा रहे हैं आज हम लोग। काफ़ी बढ़िया एरिया है वो, होशियारपुर के मैली विलेज है। हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर एक खूबसूरत लेक भी है, उसे मैली डैम के नाम से बोला जाता है। यहाँ से एक रोड दूसरी तरफ चला जाता है, जो लोग डैम देखने जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी और कहीं पर अच्छी लोकेशन देख कर कैंपिंग भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं ये होशियारपुर का फॉरेस्ट एरिया। होशियारपुर का ज़्यादातर एरिया हिमाचल बॉर्डर के साथ लगता है और इसमें थोड़ा जंगल भी है, थोड़े पहाड़ भी आ जाते हैं। काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है होशियारपुर। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ऑफ रोड करके कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा। सो चलते चलते आपको मैं वो मैली लेक है वो भी दिखाऊंगा रास्ते में आएगी, और ढूंढते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन और फिर वहाँ अपना कैंपिंग सेटअप लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत और शान जगह है ये, और कितनी हरियाली है यहाँ पर। जंगली पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कितनी खूबसूरत जगह है ये। और साथ ही में इसके लेक भी है, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये मैली डैम जो लेक है। बरसात के कारण यहाँ पानी काफ़ी भरा हुआ है, अदरवाइज़ पानी बहुत कम होता है यहाँ पर। चलिए कोई बढ़िया सी लोकेशन ढूंढते हैं आगे चलकर। काफ़ी सुनसान सा एरिया है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, अभी तक तो हमें कोई नहीं मिला रास्ते में। ये रोड वैसे आगे एक पीर बाबा की कोई डेरा है, वहाँ तक रोड जाता है ये, वहाँ पर फिर आगे रोड बंद हो जाता है ये। दोस्तों ये उसी लेक का दूसरा पार्ट, ये बिल्कुल पीछे वाला एरिया है जहाँ पर लेक आकर ख़त्म हो जाती है, वो दरिया ख़त्म हो जाता है। इससे थोड़ा आगे चलकर ये दरिया ख़त्म हो जाएगा और यहीं पे नज़दीक ही एक बाबा का डेरा इस तरफ है, एक आपने दरिया के वो दूसरी तरफ देखा सामने की तरफ भी है। बारिश होने की वजह से ऐसे काफ़ी छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं इस एरिए में, जंगल में, जहाँ से जंगली जानवर पानी पीते हैं। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं और एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैंने पहले यहाँ सेटअप लगाने की कोशिश की थी कैंपिंग का, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लगा क्योंकि कुछ अजीब सी एक आवाज़ आ रही है यहाँ पर, और बंदर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो मैं अभी आगे चल कर देखते हैं, कोई और लोकेशन ढूँढते हैं या फिर डैम के दूसरी तरफ चलते हैं। दोस्तों एक ये वाली लोकेशन हमें मिली है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी कचरा डाल रखा है, दारू पीने वालों ने बहुत ज़्यादा गंदगी डाल रखी है। यहाँ पर लोग मछली पकड़ने आते हैं और यहीं पर बैठकर पका के खाते हैं और फिर गंदगी डाल देते हैं। सो हम लोग अब एक और दूसरी तरफ आ गए हैं डैम के, यहाँ देखते हैं कि अगर बढ़िया जगह मिल गई और थोड़ा सा एडवेंचर भी हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए मोर के बच्चे आगे आगे चल रहे हैं। ये रास्ता नीचे गया था एक
बाबा जी का डेरा है, क्योंकि होशियारपुर में काफ़ी साधु संतों के डेरे हैं इस एरिए में। तो ये देखिए, ये आपको लगेगा कि नहीं कि हम लोग पंजाब में घूम रहे हैं, कितना सुनसान सा एरिया और कैसे पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अकेली गाड़ी निकल सकती है, कि वो भी बड़ी मुश्किल से। सो ये जगह हमको एक मिली है, यहाँ किसी भाई ने बताया था कि आप यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। एक तो ये साफ़ सुथरी जगह है और यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो थोड़ा आगे चलकर देख कर आते हैं और फिर बाद में यहाँ पर सेटअप लगाते हैं आकर। दोस्तों ये जो मैंने आपको लेक दिखाई थी ना, मैड़ी लेक डैम है, उसी का बैक साइड का एरिया है। यहाँ पर पानी नहीं है, जब बरसात होती फिर जहाँ भी पानी जमा हो जाता है। ये खड्डे हैं, दो तीन खड्डे यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, एक दूसरी तरफ से आती है कि ये वाली थी, इसी का पानी उस डैम में जाता है। और ये डैम का बिल्कुल बैक साइड का एरिया है। ये रास्ता आगे दूसरी तरफ चला जाता है, जब पानी भर जाता है तो ये रोड बंद हो जाता है। तो यहाँ से आगे उन्होंने रोड बंद किया हुआ है और अब हम लोग वापस आए हैं अपनी वही जगह, जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमने यहाँ पर जगह एक देखी है, उस जगह पर चलते हैं और वहाँ पर अपना आज का कैंपिंग करते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी है और खुली खुली सी जगह है, थोड़ा जंगल का एरिया भी है। क्योंकि कैंपिंग करते वक्त हमें अपनी सेफ्टी और बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कि आसपास कोई जानवरों का आना जाना वगैरह तो नहीं है ऐसा। यहाँ से रोड भी जो है तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी पर रोड है, सड़क जाती है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो आदमी निकलने में आसानी रहती है। और गाड़ी को भी ऐसी जगह लगाना चाहिए, अभी आप जंगल में जाओ कैंपिंग करने की, जहाँ से आपको कोई दिक्कत ना हो गाड़ी निकालने में, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, इमरजेंसी में आपको निकलना पड़ो तो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और निकल लो। तो चलिए मिलते हैं, थोड़ा सेटअप लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर।
ਬਸ दोस्तों, 2-2.5 घंटे जंगल में घूमने के बाद हम लोग अपने फाइनल लोकेशन पे आए और अपना सेटअप लगाया। और एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सो हमने सेटअप लगाने के बाद सोचा कि चलो भाई थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं और पहले जूस पीते हैं, थोड़ा बॉडी को एनर्जी मिलेगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर जो कैंपिंग का प्रोसेस होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। सो चलिए पहले थोड़ा जूस पी लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे आधा घंटा, फिर जो भी प्रोसेस होगा उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग।
सो दोस्तों, सूरज छिप चुका है और अभी मौसम भी थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, अब थोड़ी गर्मी में राहत मिल रही है। सो चलिए अपने कैंपिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और कुछ खाने के लिए बनाते हैं बढ़िया सा। सो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम लोग बर्गर बनाएंगे, फॉरेस्ट बर्गर, जंगली बर्गर बनाएंगे, क्योंकि जंगल में कैंपिंग करने आए हैं तो उसका नाम हमने फॉरेस्ट बर्गर रखा है एक हमने। सो जल्दी से बनाते हैं बर्गर और एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो नाइट कैंपिंग की तैयारी करें, थोड़ी लाइटें वगैरह लगाएंगे, माहौल बढ़िया बनाएंगे।
सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा फॉरेस्ट बर्गर रेडी है। तो चलिए इसे जल्दी से फिनिशिंग टच देते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि अंधेरा भी हो गया है, अब जल्दी जल्दी अंधेरा हो रहा है। सो हम लोग बर्गर फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा लाइटिंग वगैरह लगाते हैं, नाइट कैंपिंग की तैयारी करते हैं और एक बार थोड़ा सा इस एरिया को फिर से जहाँ पर हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं इसको भी अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं उसे बार बार उस जगह को चेक कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा बर्गर। तो दोस्तों बर्गर खाने के बाद मैं और एकम कुछ समय यहाँ पर टहलते रहे और इस लोकेशन को अच्छी तरह से चेक किया, आसपास घूमते रहे दोनों और फिर हम दोनों ने मिलके अपनी नाइट कैंपिंग की तैयारी की, लाइटिंग वगैरह लगाई जो अभी आपने देखी है, लाइटिंग वगैरह लगा के पूरा सेटअप लाइटिंग का सेट किया और उसके बाद अब हम लोग थोड़ा कॉफ़ी बना रहे हैं।
10 मीटर है। 10 मीटर है लगा तुम। सो फ्रेंड्स, हम लोग ना मैं और एकम बैठे कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे थे, तो अजीब सी आवाज़ आ रही है बार बार रुक रुक कर। तो हमने सोचा कि चलो भाई उसे चेक करते हैं क्या किस चीज़ की आवाज़ है। तो जब हमने चेक किया तो एक छोटे से, जैसे हमारे पंजाबी में तो नेवला बोल देते, नेवले जैसी आवाज़, कुछ जानवर थे छोटे छोटे, वो आपस में लड़ रहे थे। तो तभी हमारे, जब हम टॉर्च मार के चेक कर दिए, आप जो देख रहे हैं लकड़ियां पड़ी हुई हैं, हमारे पास ही लकड़ियां पड़ी थी। तो हमने सोचा कि भाई चलो इन लकड़ियों को भी यूज़ करते हैं, कुछ समय और बैठा जाए यहाँ पर। तो हमने वॉन फायर करने के बारे में सोचा कि चलो भाई थोड़ा वॉन फायर भी कर लेते हैं, कि उसके बिना तो नाइट कैंपिंग अधूरी रह जाएगी। तो ये देखिए, हमने अभी वॉन फायर, क्योंकि थोड़ा मौसम भी अब चेंज हो रहा है, तो इसी बहाने हम कुछ समय और बैठ लेंगे यहाँ बाहर खुले आसमान के नीचे। और बस मेन बात तो एक यही है कि यार जब भी आप जंगल में या पहाड़ों में कहीं भी कैंपिंग करो, तो अपने आसपास की चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। अगर कोई भी छोटी से छोटी आवाज़ आती है तो अपने आसपास चेक करते रहिए बार बार। एक एमरजेंसी टॉर्च अपने पास रखिए हर वक्त, अपनी गाड़ी के आसपास घूम के देखते रहिए और अपने आसपास चेक करते रहिए। तो अभी हम लोग यहाँ कुछ समय और गुजारेंगे, बैठेंगे, थोड़ी आपस में गप्पे लड़ाएंगे और फिर अपना पैकअप करते हैं, और पैकअप करके यहाँ से पैकअप करके हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि नाइट रुकना यहाँ सही नहीं है, रात रुकना। मेरे साथ बच्चा है और मैं अभी अकेला ही, हम लोग दोनों ही हैं बस, और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बिल्कुल बीचों बीच है जंगल के। तो थोड़ा टाइम बैठते हैं और फिर यहाँ पैकअप करके यहाँ से चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। स्टार्ट कर लीजिए। दो एक दो फोटो खींच लें। दोस्तों, हमारा पैकअप हो गया है और हम लोग अब निकल रहे हैं जहाँ से। टाइम हो गया है तकरीबन 10:40, तकरीबन मेरा एक घंटा लगेगा घर पहुंचने के लिए। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए TSK ट्रैवल एक्सपीडिशन के साथ।